तो ये है ना लाजवाब खीर की रेसिपी फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इनको आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खीर की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस खीर की रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम चीनी और 5 से 6 छोहारे को ग्राइंड करके हमने लिया है और 4 से 5 बादाम और ये ग्रीन पिस्ता को हमने ग्राइंड करके लिया है और कुछ ये देखिए इस प्रकार के ग्रीन पिस्ते होते हैं, तो उसे काटने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो मिठाइयों पे ऊपर में गार्निशिंग के लिए प्रयोग होता है, वही गार्निशिंग के लिए हमने 2 से 3 काट के लिया है। तो हमने 1 kg दूध लिया है, तो उसे हम चूल्हे पर चढ़ाएँगे और उसे अच्छे से पहले बॉयल आने देंगे। तो ये हमने गर्म दूध लिया है, पहले से गर्म था, अब नॉर्मल दूध को भी इसी प्रकार से करेंगे। तो हमने ये चूल्हे पर चढ़ाने के बाद ये देखिए इसमें बॉयल आना चालू हो गया फ्रेंड्स। इसी प्रकार से लगभग हम दूध को 70-80% तक रखेंगे, तब इसमें जाके हम चावल डालेंगे। चावल हमने फ्रेंड्स 1 kg दूध में जो सही खीर बनने का जो तरीका है वो है कि 100 ग्राम आप चावल डालें। चावल को हमने ढकने के लिए 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद हमने सारे चावल को डाल दिया है दूध में। अब इसे तेज़ फ्लेम पे इसे पकाएंगे और बीच बीच में आप चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो खीर है ये जलने ना पाए। तो आप मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1 kg दूध में 100 ग्राम चावल और ये हमने ग्राइंड किया हुआ छोरा का और ये बादाम और पिस्ता को भी ग्राइंड करके हमने थोड़ी सी डाला है, लगभग 7 से 8 बादाम और 3 से 4 पिस्ते के टुकड़े को ग्राइंड करके डाला है। आप चाहे तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप खड़े भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, या तो साबुत भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। हमने ग्राइंड करके डाला है क्योंकि इसका टेक्स्चर और फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस प्रकार से डालने से। तो देखिए कितनी बढ़िया ये पकड़ेगी अच्छे से। तो आप जितने भी ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डालें जो पसंद हो, आप सारे ड्राई फ्रूट को खड़े भी डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप चलाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा लगभग चावल पक गया है, तो हम इस स्टेज पर चीनी डालेंगे। चीनी फ्रेंड्स हमने जितने चावल मात्रा लिया है उसी मात्रा में चीनी लगभग बराबर लेंगे, थोड़ी बहुत उन्नीस बीस कर सकते हैं आप, मीठा कम ज़्यादा खाते हो तो। ये देखिए हम लास्ट में यहाँ पे किशमिश ऐड करेंगे और इसी स्टेज पर हम इलायची का पाउडर, जो कि हमने 2 इलायची को कूट के रखा था, तो इस प्रकार से हमने डाल देंगे। क्योंकि ये जो हमारे खीर की रेसिपी है देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो रही है, इसका मतलब है कि ये लगभग पक गया है। तो इसमें देखिए अब बबल्स आने चालू हो गए हैं, बबल्स आने का मतलब है कि ये लगभग पक गया है। तो इसके छींटे पड़ते हैं फ्रेंड्स थोड़ी सी बच के, ये देखिए इस प्रकार से बबल्स आने लगे, तो इसका मतलब है कि हमारा रेसिपी तैयार है खीर की। ये देखिए कितनी गाढ़ी बन गई है हमारा ये खीर की रेसिपी। तो चावल देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गया है। तो आप चावल कच्चा चावल ले सकते हैं, हमने छोटे चावल जो कच्चे वाले आते हैं वो लिए थे। तो ये देखिए फाइनली हमारा खीर बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसे सर्व के लिए एक कटोरी में निकालेंगे। ये देखिए कितना ये गाढ़ी बनके खीर तैयार है फ्रेंड्स, देखने में लग रहा है ना ये बहुत ही यूनिक। तो ये जो छुहारे हमने ग्राइंड करके डाला था उसी का ये टेक्सचर दिख रहा है, ये हल्का सा रेड येलोइश। तो ये फाइनली हमारा खीर की रेसिपी बनके तैयार फ्रेंड्स। हमने बादाम और ग्रीन पिस्ता से इसे गार्निशिंग कर दिया है, तो है ना ये। तो आप भी इस तरीके से खीर की रेसिपी बनाएं अपने घरों में फ्रेंड्स और इसका एंजॉय लें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।